भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष अंकित तिवारी के नेतृत्व में युवा संसद का आयोजन शहर के गांधी पार्क चौराहे स्थित पालीवाल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमाशंकर कटेरिया मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सांसद रमाशंकर कटेरिया ने बताया, युवा मोर्चा के 5 लोकसभा के पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत जिले में यह कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 5 युवाओं को मौका दिया गया है आगामी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह जुट जाने को। वे सामाजिक कार्य व गतिविधियों के माध्यम से जनता को संदेश देते हुए एक बार फिर से भाई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके अलावा कहा, इसके लिए युवा पूरी मेहनत के साथ जुटे। उसके साथ उदय प्रताप सिंह व अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। इस दौरान युवाओं से पालीवाल हॉल खचाखच भरा रहा। युवा मोर्चा का एक 5 लोकसभा के युवा संसद के रूप में ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी के अंतर्गत ये फिरोजाबाद में आज युवा संसद के रूप में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें 5 लोकसभा से चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे एक तरह से कहा जाए युवा मोर्चा के नेता हैं, जिनकी सामाजिक एक पहचान है, वो ऐसे कार्यकर्ता यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। आगे आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से वो अपना पूरा समय लगा करके फिर से नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस अभियान में पूरे जोश से वो अपने आप को समर्पित करते हुए पार्टी को मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़, फिरोजाबाद।